आप बताइएगा, आज साइफर केस की दोबारा जो है समात है, और पहले आप आर्गुमेंट तकरीबन कंप्लीट कर गए थे, क्या वजह है कि ये लिंगर ऑन किया जा रहा है इस फैसले को लेकर? सारी बात आपने खुद ही बता दी है, आपने मुझसे क्या पूछना है। पर बात आपकी दुरुस्त है कि मैंने साइफर केस को, जो कि एक वकील का काम या उसकी ड्यूटी होती है कि प्रोफेशनली सक्सेसफुली डिफेंड करें अपने क्लाइंट्स को, सो मैं अपने दोनों क्लाइंट्स को, इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, सेटिस्फैक्टरीली ओवरवेलमिंग एविडेंस की बुनियाद पर उन दोनों को इस मुकदमे से, साइफर से, मैं अपनी नज़रों में क्लियर कर चुका हूँ और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुका हूँ। जज साहिबान बहुत तहम्मुल और तसल्ली से ये केस सुन रहे थे, रमज़ान फैक्टर था, ईद की छुट्टियाँ आ गई, ख्वाहिश तो थी कि ईद से पहले किसी तरीके से साइफर कंक्लूड हो जाए, नहीं हो सका, हमारी बहुत कोशिश थी कि हो जाए। सरकार ने भी कह दिया हमने 3 से 4 दिन लेने हैं अपने मुकदमे को संभालने के या जवाब देने के। सो आज साइफर के केस में मेरा ख्याल है कि मुझे 45 मिनट घंटे से ऊपर नहीं लगेगा कि एक दफ़ा दोबारा ये छुट्टियों में जो गैप आया है उसको हम रिफ्रेश करके मेमोरी को, तो फिर सरकार अपने दलाइल जो है इसमें वो इंशाल्लाह पेश करेगी। तो मेरा ख्याल है कि आज केस कंक्लूड हो जाएगा, इंशाल्लाह हमारी तरफ से कंक्लूड है, अब बकाया फैसला आना बकाया। थैंक यू।